हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी मैपिंग की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग बेसिक से एडवांस तक क्लासेस को कवर कर रहे हैं। इसका लेक्चर नंबर 6 है। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैपिंग क्लासेस, ओके। तो वो उसमें सारी के सारे जितने लेक्चर अभी तक हम पढ़ा चुके हैं, सबके सब आपको देखने को मिल जाएंगे। जाकर के प्रीवियस लेक्चर है, आप लोग जरूर से जाकर के देख लीजिए, तभी आप लोग अच्छे से कनेक्टिविटी बना पाएंगे और साथ में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। और आप कम पढ़ के भी कैसे ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं, सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगा। आज हम लोग देखेंगे नॉर्थ अमेरिका, या फिर जिसको आप लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के नाम से जानते होंगे। तो उस पर जितने भी लेक्स पाए जाते हैं, जितने भी झीलें पाई जाती हैं, सभी के सभी आज हम लोग कवर कर लेंगे यहाँ पर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी ये सारी की सारी क्या है, झीले हैं, एक से लेकर के 10 तक यहाँ पर नंबरिंग की गई है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रेट लेक्स हैं, इसके अंतर्गत 5 आपको झीले देखने को मिलेंगी। इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आज आपको दी जाएगी, और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग वन बाई वन करके सभी को देखते हैं, ओके। तो इस आपको देखने को मिलेगा एक से लेकर के 5 तक की जो स्टार्टिंग की है, ये आपको कनाडा में देखने को मिलेंगी। कहाँ? कनाडा में आपको देखने को मिलेंगी, और ये हिम अवशिष्ट झीलों के रूप में आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए, यहाँ पर ये लोकेट की गई हैं, तो आप लोग देख सकते हैं ये क्या है। आप लोग यहाँ पर ग्रेट ग्रेट बियर लेक देख सकते हैं, फिर ग्रेट बियर लेक के बाद में ग्रेट स्लेव लेक है, फिर आपको यहाँ पर अथावस्का लेक देखने को मिलेगी, फिर आपको रेंडियर लेक देखने को मिलेगी, फिर आपको विनिपेग देखने को मिलेगी, इस तरह से, ओके। लेकिन हम लोग थोड़ा सा बड़े मैप पर देखते हैं, ओके। यहाँ पर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, तो देखिए यहाँ पर नंबरिंग की है उन 5ों की, और इधर हम लोग यहाँ पर लोकेट करके देखते हैं। तो आपको कैसे मैप पढ़ना है, तो मैप जब भी पढ़े तो आप लोग अपने एटलस खोल करके रखिएगा सामने, कौन सा एटलस आप लोगों को रखना है। तो देखिए, ये वाला एटलस आप लोग लेकर के आ सकते हैं, ये वाला एटलस है ओरिएंट ब्लैक स्वान का, ही लेकर के आ सकते हैं, या फिर आपके पास में और कोई एटलस है तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपको सभी में ये लोकेशन देखने को मिल जाएगी, बस एक दो लोकेशन नहीं होती है, वो आपको अपने पैर से लोकेट कर लेनी है। देखिए, सभी एटलस में कुछ ना कुछ लोकेशन होंगी, वो मिस जरूर होंगी, तो आपको परेशान नहीं होना है कि ये लोकेशन कहाँ है, कैसे खोजें। तो हम आपको लोकेशन बता देंगे किसके पास में होगी, तो वहां पर आप लोग के लिए नोट कर लेनी है, दबाव नहीं लेना है, सब कुछ बहुत आसानी से सब कुछ हो जाएगा, दबाव नहीं लेना है, ओके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अभी हम आपको एक चीज बताने जा रहे थे कि आपको ये सारी की सारी लोकेशन एक फिजिकल मैप पर देखेंगी। उत्तरी अमेरिका का आप लोग फिजिकल मैप खोलिएगा, ओके, जिसको भौतिक मानचित्र भी बोलते हैं, उसको आप खोलिएगा, वहां पर आपको दिख जाएंगे। लेकिन लोकेट कहाँ करनी है? लोकेट आपको करनी है राजनीतिक मानचित्र जो होता है, पॉलिटिकल मैप होता है, लोकेट वहां पर करनी है, ओके। फिर उसके बाद में आप लोग अपनी कॉपी जहाँ पर नोट्स बना रहे हैं, वहां पर आपके लिए एक सिनॉप्सिस के रूप में, खाके के रूप में बना करके जरूर रखनी है, ये बाद में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर आपको जब हम स्टार्टिंग पढ़ा रहे थे, तो हम लोग आर्टिक ओशन बहुत सारी लोकेशन देखे थे, तो बेफूट सी से हम लोग स्टार्ट किए थे, फिर बेफूट सी आपको, फिर बैंक आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, फिर बैफिन आइलैंड, बैफिन बैफिन ग्रीनलैंड, कुछ कुछ याद आ रहा होगा, ओके। तो देखिए, हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे, बेफूट सी से स्टार्ट किए थे, और इधर आपको मैकेंजी रेंज हम एक आपको पढ़ाए थे, तो कुछ तो याद होगा ना थोड़ा बहुत, इसीलिए रिविजन करते रहिएगा, तब थोड़ा सा याद रहेगा, ओके। तो देखिए, बेफूट सी या फिर आप लोग मैकेंजी रेंज है, इसके अगर आपको लोकेशन ध्यान होगी तो उसके पास में ही आपको ग्रेट बियर लेक देखने को मिलेगी। यहां से ही हम लोग अपनी लोकेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप बेफूट सी के जस्ट नीचे देखेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर ग्रेट बियर लेक आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या है, ग्रेट बियर लेक आपको देखने को मिलेगी, पहली वाली लोकेशन है। अब देखिए, इसकी एक मुख्य विशेषता क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पे आर्कटिक सर्कल, ये देखिए डॉट 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 लाइन है जो आपको दिख रही होगी, ये यहाँ से गुजरती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो आर्कटिक सर्कल है, ये 66 सही 1/2, ओके, आपको देखने को मिलेगी। ये क्या है, एक आर्कटिक सर्कल है। ये आर्कटिक सर्कल है निम्न में से किस झील से होकर के गुजरता है, ये किसके मध्य से गुजरता है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, और ऑप्शन के रूप में 2-4 झीलों के नाम दिए रखे होंगे और आप लोग कंफ्यूज जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है भाई, ग्रेट बियर लेक से ही हम स्टार्ट किए थे, हम इसमें महाद्वीप में हम उत्तर से स्टार्ट करेंगे, तो पहली हमें कौन सी लोकेशन देखने को मिली, ग्रेट बियर लेक ही देखने को मिली झीलों में। अब यहाँ से ही आर्कटिक सर्कल होकर के गुजरता है, ओके, तो आप लोगों के लिए ध्यान रखना है। तो देखिए, पहली लोकेशन हमको मिल गई,
तो पहली लोकेशन क्या है, आपको ग्रेट बियर लेक देखने को मिलेगी बेफोर्ट सी के थोड़ा सा नीचे। फिर उसके थोड़ा सा नीचे और आएंगे, टहलते हुए घूमते हुए आप लोग आएंगे तो आपको यहाँ पर ग्रेट स्लेब लेक देखने को मिल जाएगा। देखिए जो एक ग्रेट स्लेब लेक है ये देखने को मिलेगा। अब देखिए ग्रेट स्लेब लेक के बाद यहाँ पर अथाबास्का लेक तो दिया ही नहीं रखा है। अब हो सकता है आपके मैप में दिया रखा हो, आपके हो सकता है आपके मैप में कोई और लेक के बारे में ना दिया रखा हो, तो लोकेट कर लीजिएगा। आपके थोड़ा सा इसके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलेगी अथाबास्का लेक। थोड़ा सा और टहलते कोई नीचे आइएगा तो अथाबास्का के बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखिए चर्चिल है, चर्चिल के आप लोग अगर पूरब में जाएंगे तब आपको देखने को मिलेगा लेक रेंडियर आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब ये चौथे नंबर की आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके जस्ट आप लोग थोड़ा सा और दक्षिण में आएंगे तो आपको लेक बिनिकिंग देखने को मिल जाएगा। तो ये पांचों हो गई ना, ये पहली वाली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, और पांचवी ये है। बहुत ही सिंपल है, कोई दबाव नहीं लेना है बड़ा सा। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं, जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में। तो हमने लोकेशन देख ली, अब इनके बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें आपको याद रखनी है वो भी तो हम एक बार देख लें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं उनके बारे में। तो देखिए पहला हमारा कौन सा था, ग्रेट बियर लेक आपको देखने को मिलेगा, ग्रेट बियर लेक आपको देखने को मिलेगा। तो ग्रेट बियर लेक है, इसकी विशेषता क्या थी, इसकी विशेषता थी इस सबसे पहले जब हम कनाडा की कहाँ पाई जाती है, कनाडा में। तो अभी हमको आपको बताए हैं 1 से लेके 5 तक जो लेक है सभी सभी कहाँ है, कनाडा में ही आपको देखने को मिलेगी। देखिए जो ग्रेट बियर लेक है यहाँ से क्या चीज गुजरता है, तो यहाँ से आपको एक आर्टिक सर्कल देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ से 66 सही 1/2 नॉर्थ वाला जो अक्षांशीय रेखा है एक तरह से आप बोल सकते हैं, जिसे हम जानते हैं आर्टिक आर्टिक वृत्त के नाम से जानते हैं, तो वो इसके मध्य से होकर के गुजरता है, इसका संबंध इससे देखने को मिलेगा। बस इतना ही याद रखना है और कोई आपको रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं याद रखनी। चलिए हम लोग अगले लेक के बारे में देखते हैं। अगला लेक कौन सा था आपको देखने को मिलेगा, ग्रेट स्लेब लेक था, ग्रेट स्लेब लेक आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ग्रेट स्लेब लेक है, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, तो देखिए इसमें आपको पॉइंट फॉर्म में नोट कर लेना है। देखिए नंबर एक, यहाँ पर सोना और तांबा के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो सोने और तांबे के लिए विश्व प्रसिद्ध आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सोना, ओके सोना व तांबा, तांबा को क्या कहते हैं, कॉपर बोलते हैं, ओके। और सोना को तो कौन नहीं जानता, खासकर गर्ल्स होगी वो दिखेंगे, अरे 9 लाख का हार हमको बनवाना है, लगता है वहां की सोने से बनवाया जाएगा, ओके। तो देखिए सोना और तांबा है उसके लिए विश्व प्रसिद्ध आपको देखने को मिलेगा, ओके। देखिए दूसरी चीज क्या है, दूसरी यहाँ पर जो ग्रेट स्लेब लेक है ना, यहाँ पर ही एक पाई जाती है, आपको देखने को मिलेगा येल्लो नाइफ, एक लोकेशन है येल्लो नाइफ, ओके, जो कि आपको राजधानी देखने को मिलेगी। किसकी राजधानी है, तो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी है, तो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी की राजधानी येल्लो नाइफ यहाँ पर ही पाई जाती है, ग्रेट स्लेब लेक में ही आपको देखने को मिलेगी, तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा तीसरी वाली है आपको देखने को मिलेगा, तीसरी वाली है, तीसरा लेक है हमारा अथाबस्का, कौन सा है अथाबस्का, अथाबस्का लेक। तो देखिए जो अथाबस्का लेक है इसकी विशेषता क्या है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, तो अथाबस्का लेक की अगर हम बात करें तो यहां यहां पर यूरेनियम यूरेनियम सिटी पाई जाती है, यूरेनियम सिटी, देखिए यहां पर यूरेनियम है वो भी उच्च मात्रा में पाया जाता है, तो यूरेनियम सिटी आपको यहाँ अवस्थित देखने को मिलेगी, अवस्थित देखने को मिलेगी। और दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण है, अथाबस्का लेक है यहाँ पर बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं सेल ऑयल और सेल गैस के, ओके, सेल ऑयल और सेल गैस के, सेल ऑयल और सेल गैस के यहाँ पर बहुत बड़े आपको भंडार देखने को मिलेंगे, ओके। तो अगर आप लोगों के लिए सेल ऑयल सेल गैस चाहिए होगा तो आप ऊपर से घूमते हुए आएंगे तो ग्रेट बियर लेक है, तो वहां पर तो आपको एक सर्कल देखने को मिलेगा। लेकिन फिर आगे आएंगे सोना चांदी खरीदना होगा तो ग्रेट स्लेब लेक में आएंगे, ओके, और अथाबास्का में आएंगे तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, ऑयल ऑयल ले सकते हैं, सेल ऑयल सेल गैस ले सकते हैं। तो ऐसे देखिए याद करते हुए स्टोरी बना लीजिए, ओके, कौन सा आपके लिए कोई पूछ रहा है पेपर में आकर के, एक स्टोरी अपने मन में
ऐसे बना लीजिए आप मैप पर ऐसे घूमते हुए आ रहे हैं, अच्छा अच्छा ये चीज हमको यहाँ पर खरीदनी है। ओके चलिए हम लोग चौथे के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चौथे नंबर पर आपको देखने को मिलेगी, जो चौथे नंबर पर है वो आपको देखने को मिलेगी रेनडियर। ओके जो रेनडियर है इसके बारे में, रेनडियर लेक की अगर हम बात करें, रेनडियर लेक की अगर हम बात करें, तो यहां पर आपको क्या चीज देखने को मिलेगी मेन, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो चर्चिल नदी है, इसको यहां से चर्चिल नदी है वो निकलती है, चर्चिल नदी है वो निकलती है और जाकर के हडसन की नदी में जाकर के मिल जाती है। कहां पर? हडसन नदी में मिल जाती है, हडसन की खाड़ी, सॉरी नदी नहीं है, हडसन की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है, हडसन की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। ओके ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। जहां से हम बताए थे हडसन खाड़ी, जो जेम्स बे से हम लोग स्टार्ट किए थे और फिर हम आगे हडसन की खाड़ी से होते हुए आगे गए थे, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ध्यान होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पांचवी जो आपको देखने को मिलेगी रेंडियर के बाद में कौन सी है, लेक बिनीपिंग आएगी, लेक बिनीपिंग आपको देखने को मिलेगी। ओके तो लेक बिनीपिंग है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या क्या ध्यान रखना है, तो देखिए नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये मिनीटोबा प्रांत की राजधानी भी है। ओके मिनीटोबा प्रांत, मिनीटोबा प्रांत की राजधानी आपको देखने को मिलेगा, मतलब कैपिटल है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा दूसरा, इसे गेहूं, विश्व में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी आपको यहां पर देखने को मिलेगी, गेहूं की विश्व में सबसे बड़ी मंडी, विश्व में सबसे बड़ी मंडी, सबसे बड़ी मंडी होती है। अब कुछ लोग होंगे वो मंडी नहीं जानते होंगे, मंडी वो होती है जहां पर गेहूं बेहूं किसान ले जाकर के बेचते हैं और अन्य लोग हैं वो वहां से आकर के खरीद भी सकते हैं। तो गेहूं की जो मंडी है सबसे बड़ी विश्व में, वो कहाँ पर है, लेक विनिपिंग में, ये आपको देखने को मिलेगी। तो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, पांचों की पांचों लेक है वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो देखिए कैसे आपको बनाना है, तो देखिए आपको इस तरह से ध्यान रखना है। अगर आप लोग मैप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, हम यहाँ पर मैप बनाएंगे तो ये हैंग कर जाता है, आप लोग जानते हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो हम सिर्फ यहाँ पर छोटा सा मैप बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप उत्तर में देखेंगे तो इधर मानते हैं बैकफुट सी है और इधर क्या है, मैकेंजी रेंज गई हुई है, तो आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगा, यहाँ पर लेक बियर, ग्रेट बियर लेक देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा इसके नॉर्थ में आएंगे तो आपको ग्रेट स्लेब लेक देखने को मिलेगा, फिर आपको इसके पास में ही रेंडियर लेक देखने को मिलेगा, फिर आपको सॉरी अथाबस्का लेक देखने को मिलेगा, अथाबस्का के बाद रेंडियर है, फिर आपको बिनीपिंग देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, किसी भी तरह से सिनॉप्सिस बना लीजिए, आपके दिमाग में रहेगा अच्छा क्रम आपको समझ में आ गया। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर से दक्षिण में इनके क्रम को लगाइए, लगा सकते हैं ना, कोई रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है, तो इसीलिए आप लोग इस तरह से क्रम से पढ़ते हुए चलिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे ग्रेट, जो ग्रेट लेक्स हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए ग्रेट लेक्स के अंतर्गत यहाँ पर कई सारी झील आती हैं, एक आपको देखने को मिलेगी सुपीरियर झील देखने को मिलेगी, दूसरी आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी मिशिगन, तीसरी आपको देखने को मिलेगी होनरून, और चौथी आपको देखने को मिलेगी इरी, और फिर आपको देखने को मिलेगी ओंटारियो। तो इन सभी के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से सविस्तार में अभी हम लोग बात करेंगे। और देखिए ये जो लेक्स हैं, ये लेक्स आपको देखने को मिलेगा कनाडा और यूएसए के बीच में सीमा का निर्धारण भी करती है। तो देखिए जैसे ये है ना, तो यहाँ पर इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि ये कनाडा और यूएस का बॉर्डर भी देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए यूएस और कनाडा का बॉर्डर है वो कौन कौन सी बनाती हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो मिशिगन है, तो मिशिगन को हम रेड कलर से लोकेट कर देते हैं। देखिए मिशिगन है ये, देखिए कनाडा में पड़ रही है, नहीं ये सीमा नहीं बनाती है, ये पूर्णतः कहाँ देखने को मिलेगी, ये पूर्णतः आपको यूएसए में देखने को मिलेगी। ओके तो जो ग्रेट ग्रेट लेक्स है, तो ग्रेट लेक्स में पांचों में सिर्फ और सिर्फ मिशिगन ही एक ऐसी लेक है जो पूर्णतः कहाँ पड़ती है, यूएसए में पड़ती है, और बाकी की बाकी जो चारों बची हुई है ये आधी आती है यूएसए में, आधी आती है कनाडा में, यानी कि यूएस और कनाडा के बीच में सीमा का निर्धारण भी करती हैं। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण चीज हो गई। तो चलिए हम लोग देखते हैं सभी को वन बाई वन करके देखते हैं, पहले हम सुपीरियर को देखते हैं। ओके अब यहाँ पर आप लोग कैसे जाएंगे, तो जैसे आप लोग घूमते हैं
वैसे घूमते हुए आप लोग जाइएगा, आराम से सब कुछ क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सुपीरियर लेक के बारे में देखेंगे, फिर सुपीरियर लेक, अब देखिए इनमें घूमना कैसे है, तो हम लोग कैसे इनको पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे सुपीरियर, तो यहाँ पर दुलू तो आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ से हम लोग अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हमको कौन सी लेक देखने को मिलेगी भाई, यहाँ पर सुपीरियर लेक देखने को मिलेगी। सुपीरियर लेक से आप हम आगे जाएंगे तो हमें कहाँ प्रवेश करना पड़ेगा, होनरून में, यानी कि पहले नंबर पर सुपीरियर है, दूसरे नंबर पर कौन सी देखने को मिलेगी, होनरून देखने को मिलेगी। फिर होनरून से हम हमें कहाँ आना पड़ेगा, मिशिगन में आना पड़ेगा। अब यानी कि तीसरे नंबर पर हमको कौन सी देखने को मिलेगी, मिशिगन देखने को मिलेगी, लेकिन आगे रास्ता बंद है इसीलिए हमको लौट के जाना पड़ेगा और फिर से हम लोग किस में पहुंच जाएंगे, होनरून में। लेकिन होनरून में तो हम पहले ही से आ चुके हैं तो हम लोग इसमें ज्यादा टहलेंगे नहीं, आगे निकल जाएंगे चुपचाप भाई। फिर देखिए आगे हम जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इरी, यानी कि चौथे नंबर पर कौन सी आती है, इरी आती है। इरी के बाद में इधर से हम लोग चले जाएंगे ओंटारियो में, चले जाएंगे कहाँ चले जाएंगे, ओंटारियो में, और फिर इधर लॉरेंस की आपको खाड़ी देखने को मिल जाएगी आगे। ओके इधर लॉरेंस नदी भी है, लॉरेंस नदी है वो आगे जा करके लॉरेंस की खाड़ी में जा करके मिल जाती है, जो आपको न्यूफाउंडलैंड के बगल में बताए थे, तो वहां पर ही आप लोग पहुंच जाएंगे आगे ठहरते हुए जाएंगे तो। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं सबसे पहले सुपीरियर लेक के बारे में देख लेते हैं, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सुपीरियर लेक। ओके लेकिन इससे पहले आप लोगों के लिए क्रम बता देते हैं, क्रम आप लोग लिख लीजिए क्योंकि क्रम बहुत बार पूछ लेता है। देखिए सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगी, सुपीरियर लेक देखने को मिलेगा। ओके सुपीरियर लेक देखने को मिलेगा। आप सुपीरियर लेक से आप लोग कहाँ जाएंगे, सुपीरियर लेक से आप जाएंगे होनरून में, कहाँ जाएंगे, होनरून में आप लोग जाएंगे। ओके अब देखिए जब सुपीरियर से होनरून में जाएंगे तो यहाँ पर एक आपको कैनाल भी देखने को मिलेगी, इस कैनाल का नाम है सू कैनाल। ओके क्या नाम है इसका, सू कैनाल, मतलब एक नहर है। अब आपसे पूछा जाएगा सू कैनाल है वो किन किन लेकों को भी जोड़ती है, तो आपको ध्यान रखना है जो सुपीरियर लेक है मतलब सुपीरियर झील है और जो होनरून झील है इन दोनों को आपस में जोड़ती है, कौन सी नहर जोड़ती है, सू कैनाल जोड़ती है, सू नहर जोड़ती है। ओके चलिए हम लोग पहुंच गए होनरून में, और होनरून के बाद हम कहाँ चले गए थे भाई, फिर हमको जाना पड़ा था मिशिगन, और मिशिगन की विशेषता क्या है, ये पूर्णतः कहाँ है, यूएसए में आपको देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद हमको देखने को मिलेगा मिशिगन, ओके मिशिगन आपको देखने को मिलेगा। मिशिगन के बाद में आपको इरी देखने को मिलेगा, कौन सा इरी, अब देखिए इधर जगह नहीं है इसलिए हम इसको नीचे बना देते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोगों के लिए इधर ही बनाना है, हमारे पास जगह नहीं है पर्याप्त, तो इसीलिए हम नीचे बना देते हैं। फिर इसके बाद कौन सी आती है, ओंटारियो आती है, कौन सी आती है, ओंटारियो आती है। अब देखिए जो इरी है और ओंटारियो है इनके बीच में भी एक कैनाल पाई जाती है, मतलब एक नहर पाई जाती है, आपको बेल एंड देखने को मिलेगी, कौन सी, बेल एंड। ओके बेल एंड कैनाल पाई जाती है, तो बेल एंड कैनाल किस किस को जोड़ती है, इरी और ओंटारियो को जोड़ती है। अब आप लोगों के लिए इस तरह से ध्यान रखना है, तो देखिए आप लोग कैसे गए थे, आप लोगों को ध्यान होगा हम लोग कैसे गए थे, तो सबसे पहले, और इसमें एक चीज आप लोग इस तरह से देख लीजिए, देखिए जैसे जैसे आप इधर से इधर के लिए जाएंगे तो एक आपको एक क्रम देखने को मिलेगा, कौन सा क्रम है ये आपको देखने को मिलेगा, अवरोही क्रम है, क्या है, अवरोही क्रम आपको देखने को मिलेगा। आप इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या है, अवरोही क्रम, मतलब अगर आपसे पूछा जाए अवरोही क्रम में लगाइए, मतलब साइज के आकार पर, आकार के आकार पर, तो आप लोग आकार के आधार पर आराम से इनको लगा सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी लेक कौन सी देखने को मिलेगी, इनमें सुपीरियर पे, दूसरे पे होनरून, तीसरे नंबर पर आकार के आधार पर इसी, चौथे पर आपको इरी और पांचवें नंबर पर आपको ओंटारियो, यानी कि आप जिस क्रम में घूम रहे थे उसी क्रम में आपको क्रम भी मिल गया आकार के आधार पर, मतलब आप हल्के हल्के कहाँ जाएंगे, हल्के हल्के छोटी लेक में प्रवेश करते चले जाएंगे, कहाँ प्रवेश करते चले जाएंगे, जैसे ही आप लेक पार करेंगे तो वो उसकी अपेक्षा उससे छोटी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ गए थे, सबसे पहले हम सुपीरियर से हम लोग गए थे होनरून में, तो किस कैनाल को हमें पार करना पड़ा था, किस कैनाल से हम लोग पार किए थे, तो हम लोग सू कैनाल के माध्यम से हम लोग सुपीरियर लेक से होनरून लेक में पहुंच गए। फिर होनरून से हम कहाँ गए थे, मिशिगन में गए थे, लेकिन मिशिगन में हमें फिर लौट करके आना पड़ा, फिर से कहाँ आना पड़ा, हमको होनरून में आना पड़ा, फिर हम होनरून से कहाँ गए, फिर हम गए बाद में इरी गए, और फिर इरी से हम लोगों ने बेल एंड कैनाल किससे होते हुए हम कहाँ पहुंच गए, ओंटारियो में पहुंच गए, और ओंटारियो से होते हुए हम लोग चले जाएंगे, अगर हम जाना चाहें तो आपको सेंट लॉरेंस नदी है उससे होते हुए हम लॉरेंस की खाड़ी में पहुंच जाएंगे, और फिर बाद में न्यूफाउंडलैंड से होते हुए फिर हम लैब्राडोर सी में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि हम कहाँ पहुंच जाएंगे,
अटलांटिक महासागर में पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी हमें वहां पर नहीं जाना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सुपीरियर लेक के बारे में, बात कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग सुपीरियर लेक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए ये आपको देखने को मिलेगी, सुपीरियर लेक देखने को मिलेगी। इसी सुपीरियर लेक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा दुलूत। ओके, क्या देखने को मिलेगा? नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है दुलूत, तो आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से ही हम लोग अपनी जर्नी क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ से ही हम लोग अपनी जर्नी प्रारंभ करेंगे। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको दुलूत देखने को मिलेगा। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये सुपीरियर लेक है, नंबर एक आपको नोट करके रखना है, ये मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगर हम बात करें इसकी विशेषताओं की तो ये मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील आपको देखने को मिलेगी। ओके, लेकिन अगर हम वहीं पर बात करें तो अगर हम खारे पानी के आधार पर बात करें तो कैस्पियन सी के बाद दूसरी सबसे बड़ी लेक आपको देखने को मिलेगी। ओके, और यह है कैस्पियन सी के बाद, कैस्पियन सागर के बाद, सागर के बाद दूसरी सबसे बड़ी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी बड़ी झील आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो ये चीज आप लोगों के लिए ध्यान रखनी है। लेकिन देखिए जो सुपीरियर लेक है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये सुपीरियर हाईलैंड पे पाई जाती है, मतलब सुपीरियर उच्च भूमि है वहां पर ये आपको लेक देखने को मिलेगी। अब देखिए जो ये सुपीरियर उच्च भूमि है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर लौह एक्स बहुत ज्यादा पाया जाता है। देखिए जिस जगह पर ये सुपीरियर लेक पाई जाती है, कलर चेंज कर लेते हैं, जिस जगह पर ये सुपीरियर लेक पाई जाती है ना, ये आपको देखने को मिलेगा सुपीरियर हाईलैंड पर। ये पूरी जो झील है ये कहां पर आपको देखने को मिलेगी? सुपीरियर सुपीरियर हाईलैंड्स में पाई जाती है। हाईलैंड्स का मतलब क्या होता है? उच्च भूमि, हाईलैंड्स। ओके, सुपीरियर उच्च भूमि पर पाई जाती है। ओके, और जो सुपीरियर उच्च भूमि है ये लौह एक्स के भंडार की दृष्टि से देखा जाए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, लौह एक्स भंडार यहाँ पर बहुत ज्यादा पाया जाता है। ओके, भंडार है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक मेसाबी रेंज जो पाई जाती है। ओके, हम आपको बताए थे मेसाबी रेंज के बारे में। तो देखिए जो मेसाबी रेंज है तो मेसाबी रेंज लौह एक्स के खनन की दृष्टि से विश्व में सबसे प्रमुख आपको देखने को मिलेगा। तो एक यहाँ पर देखिए कलर चेंज करके लिख देते हैं रेड कलर से, जिससे आप लोग अच्छे से ध्यान रखें। तो यहाँ पर मेसाबी रेंज जो आपको देखने को मिलेगा, मेसाबी रेंज है यहाँ पर लौह एक्स का खनन, लौह अयस्क का खनन है वो बहुत ज्यादा होता है। खनन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण यूएस का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि मेसाबी रेंज में लौह एक्स का सबसे ज्यादा खनन होता है। इसी वजह से इस दुलुत में, इसी वजह से ये जो आपको दुलुत देखने को मिलेगा, दुलुत क्या है आपको एक बंदरगाह भी देखने को मिलेगा। और दुलुत एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर भी है और साथ में एक बंदरगाह भी है। तो देखिए इसी वजह से दुलुत में आपको देखने को मिलेगा कि लौह इस्पात उद्योग का एक केंद्र है ये, लौह अयस्क, लौह अयस्क उद्योग का एक केंद्र देखने को मिलेगा, उद्योग का एक केंद्र देखने को मिलेगा। देखिए आप लोगों को इस तरह से कनेक्टिविटी बना करके चलनी है। दुलुत में आपको लौह अयस्क इस्पात उद्योग होता है उसका एक केंद्र भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मेसाबी रेंज में हमको यहाँ पर रॉ मटेरियल मिल जाता है, जल की भी उपलब्धता हो जाती है, साथ में यहाँ पर कोयला भी मिल जाता है। और इस वजह से यहाँ पर लौह एक्स उद्योग का काफी विकास हुआ। और दुलुत कहाँ देखने को मिलेगा आपको? यूएस में आपको देखने को मिलेगा, यूएसए में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम दुलुत में देखे और हमने देखा भाई यहाँ पर लोहा वोहा का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है।
और फिर यहाँ से हम आगे गए। अब कब तक रुकेंगे, ज्यादा गर्मी लगने लगेगी, जहां पर लोहा वोहा की फैक्ट्रियां होती है वहां पर गर्मी भी ज्यादा होने लगती है। इस वजह से क्या कर रहे हैं, आपका मन करेगा यार चलो यहाँ से फूटते हैं जल्दी से। तो दुलुत में आप लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर लौह एक्स उद्योग के केंद्र के रूप में विकसित हुआ है, क्योंकि जो सुपीरियर हाईलैंड है वहां पर लौह एक्स खनिज है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और यहाँ पर जो खनन है मेसाबी रेंज में वो बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से दुलुत में इस उद्योग का भी काफी अच्छे से विकास हुआ। और सुपीरियर लेक के बारे में आपको बताया, हमारे साथ घूम रहे थे आप तो हम आपको गाइड कर रहे थे, तो हमने आपको बताया सुपीरियर लेक है ये विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और अगर हम कैस्पियन सागर के बाद देखें तो आपको विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील आपको देखने को मिलेगी। आप बोले बाबा मजा आ गया, इतने सारे हमको चीजें पता चली। तो फिर हम आपको क्या ले गए, घुमाते घुमाते ले गए, और ले ले गए फिर हमने आपको सू कैनाल से होते हुए, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, सू कैनाल देखने को मिलेगा। और सू कैनाल से होते हुए हम कहाँ ले आए आपको, आपको ले आए लेक होनरून में ले आए। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं लेक होनरून में ले चलते। तो देखिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा सू कैनाल, क्या देखने को मिलेगी आपको, सू कैनाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, सू नहर या फिर सू कैनाल आप जो भी बोलना चाहते हैं वो आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए जो सू कैनाल है यहाँ पर ही रास्ते में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह देखने को मिलेगा, कनाडा का एक बंदरगाह देखने को मिलेगा, सॉल्ट मैरी, सॉल्ट सेंट मेरी। ओके देखिए एक कनाडा का एक बंदरगाह है, यहां पर लिख लीजिए क्या है, कनाडा का एक आपको बंदरगाह देखने को मिलेगा, महत्वपूर्ण बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा। और जो सॉल्ट सेंट मेरी है यहां पर लौह एक्स उद्योग का बहुत ज्यादा विकास हुआ है, लिख लीजिए नंबर दो। एक तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह भी देखने को मिलेगा, और दूसरा यहाँ पर एक कनाडा का बहुत ही महत्वपूर्ण लौह इस्पात उद्योग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक उसका प्रमुख केंद्र देखने को मिलेगा। ओके तो ये चीज आप लोगों के लिए ध्यान रखनी है। और देखिए आप जब हम आपको ला रहे होंगे घुमाते हुए सू कैनाल से होनरून में ला रहे थे, तब आपको देखिए जब हम ला रहे थे तो आपको कनाडा में ही आपको एक लोकेशन देखने को मिलेगी, कौन सी लोकेशन देखने को मिलेगी, ये लोकेशन है आपको देखने को मिलेगी सडबरी, कौन सी है, सडबरी आपको देखने को मिलेगी। और सडबरी की विशेषता क्या है, सडबरी की जो विशेषता है वो विश्व में सबसे ज्यादा निकिल का खनन यहाँ पर ही होता है, विश्व में निकिल जो होता है, ओके निकिल होता है वो उसके खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है भाई, आपको देखने को मिलेगा विश्व में निकिल का खनन सबसे ज्यादा यहाँ पर ही होता है। इसके अलावा जो सडबरी है ये ना केवल निकिल का खनन करती है बल्कि इसके साथ में देखिए निकिल का भी यहाँ पर भंडार है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है, तभी तो खनन होता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कॉपर भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, इसके भंडार बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा प्लेटिनम, तो यहाँ पर निकिल कॉपर और प्लेटिनम के आपको बड़े बड़े भंडार देखने को मिलेंगे, यानी कि ये खनिज संसाधन के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र देखने को मिलेगा। ओके इसी वजह से सडबरी में विश्व में सबसे ज्यादा निकिल का खनन इसी क्षेत्र में होता है। तो सडबरी में निकिल से संबंधित कोई चीज लेनी है तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो सडबरी तो आपको ले गए, तब आप बोले कि अरे अभी तो रह गया भाई एक लेक मिशिगन रह गया, तो आपको हम क्या करेंगे इस तरह से लेकर के आएंगे जो होनू से होते हुए फिर आपको कहाँ ले जाएंगे, मिशिगन में ले चले जाएंगे। कहाँ ले चले जाएंगे, मिशिगन में आपको ले चले जाएंगे। अब देखिए जब हम आपको मिशिगन में ले जाएंगे तो मिशिगन में आपको बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगी। देखिए अभी कहाँ प्रवेश किए, मिशिगन में प्रवेश किए, कहाँ से लेक होनू से कहाँ से ले गए, लेक मिशिगन में चले गए। तो लेक मिशिगन में हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको अभी नोट करानी है। तो आप कहाँ तक आ गए थे भाई, यहाँ तक आप आ गए थे। अब देखिए हम जब आ रहे थे तो इधर से आते हैं, देखिए इस तरह से आ रहे थे तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको लोकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी, मिलवाको आपको देखने को मिलेगी, मिलवाकी आपको देखने को मिलेगी। देखिए पहली लोकेशन आपको मिलवाकी देखने को मिलेगी, फिर आप मिलवाकी से थोड़ा सा आगे जाएंगे फिर आपको देखने को मिलेगा शिकाकू, आपको देखने को मिलेगा शिकाको आपको देखने को मिलेगा, फिर शिकाको से आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गौरी, क्या देखने को मिलेगा, गौरी देखने को मिलेगा, तीसरे नंबर पर ये लोकेशन देखने को मिलेगी। अब इन तीनों के बारे में आप लोगों के लिए लिखा देते हैं,
काफी महत्वपूर्ण चीज आपको देखने को मिलेगी, और ध्यान से इस चीज को नोट करिएगा। देखिए आगे पेज पर लिखा देते हैं, यहाँ पर जगह कम है, लोकेशन आप लोगों ने लोकेट कर ली है। तो देखिए सबसे पहले अभी हमें क्या मिला था, हमको मिलवाकी मिला था। ओके मिलवाकी, तो देखिए मिलवाकी है, इससे संबंधित चीजें आप लोग लिख लीजिए। मिलवाकी है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मिलवाकी से लेकर के शिकागो तक, यहाँ पर कृषि से संबंधित मशीन और उपकरण का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। मिलवाकी से शिकागो तक तटीय क्षेत्र में आप देखेंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित जो उपकरण होते हैं और साथ में जो यंत्र होते हैं, मशीनें होती हैं, उनका बहुत ज्यादा विकास हुआ है। तो यहाँ पर कृषि संबंधित मशीनें, नंबर एक कृषि मशीनों का प्लस आपको देखने को मिलेगी, जो इसके जो उपकरण होते हैं उनका बहुत ज्यादा विकास हुआ है। ओके तो इसी वजह से, इनका विकास अधिक होने की वजह से इसके लिए एक नाम से जानते हैं, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट बेल्ट के नाम से, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट बेल्ट के नाम से जानते हैं, इंप्लीमेंट बेल्ट के नाम से भी जानते हैं इसको। तो ये बहुत ज्यादा फेमस आपको लोकेशन देखने को मिलेगी। ओके तो आपको ध्यान रखना है, मिलवाकी है, यहाँ पर आपको कृषि से संबंधित आपको बहुत बहुत अच्छे उपकरण देखने को मिलेंगे, पूरा एक बेल्ट देखने को मिलेगा, इसीलिए इसे एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट बेल्ट भी बोलते हैं। तो आपको अगर बहुत अच्छी खेती करनी है, ओके तो आप लोग यहाँ से उपकरण मंगा सकते हैं, इंपोर्ट करा सकते हैं, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा दूसरी चीज आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर, ओके यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी अन्य उद्योग हैं, वो भी काफी, मतलब एक आपको औद्योगिक सिटी देखने को मिलेगी, काफी उद्योग यहाँ पर डेवलप हुए हैं। ओके मिलवाकी के बाद में आपको देखने को मिलेगा दूसरी जो मेन लोकेशन है शिकागो, देखिए यहाँ पर ही लिख देते हैं वैसे हमारे पास जगह है। ओके दूसरी आपको देखने को मिलेगी शिकागो, ओके अब देखिए जो शिकागो है इसमें आपको ध्यान रखना है काफी महत्वपूर्ण चीज है, शिकागो है यहाँ पर परिवहन उद्योग का बहुत ज्यादा विकास हुआ है, यहाँ पर परिवहन है उसका बहुत ज्यादा विकास हुआ है, मतलब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट की सुविधाओं का अत्यधिक विकास होने के कारण यहाँ पर मांस प्रसंस्करण उद्योग का भी विकास हुआ है। परिवहन सुविधाएं अधिक होने के कारण शिकागो में परिवहन सुविधाएं अधिक होने के कारण यहाँ पर मांस प्रसंस्करण, मांस प्रसंस्करण, प्रसंस्करण उद्योग है वो आपको देखने को मिलेगा। ओके तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलेगी, साथ में आपको देखने को मिलेगा कि ये यूएसए का, साथ में यूएसए का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला क्षेत्र है, मतलब शहर आपको देखने को मिलेगा, तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र आपको यूएस का देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर एक चीज और आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन देखने को मिलेगा, रेलवे जंक्शन आपको विश्व का सबसे बड़ा देखना है तो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपको शिकागो में देखने को मिलेगा। ओके इसके अलावा जो तीसरी जो आपको लोकेशन देखने को मिलेगी गौरी, तीसरी लोकेशन आपको देखने को मिलेगी गौरी। ओके तो देखिए जो गौरी है तो आपको ध्यान रखना है, देखिए जो शिकागो से गौरी तक, जो शिकागो से गौरी तक का क्षेत्र है यहां पर लौह इस्पात उद्योग, यहां पर लौह इस्पात उद्योग, देखिए दूसरा वाला हमने यहाँ पर लिखा है थे शिकागो, शिकागो, ओके और तीसरा यहाँ पर हम लिखाए थे अभी गौरी। ओके तो देखिए यहां से लेकर के यहां तक इस पूरे रीजन में आपको देखने को मिलेगा, मतलब शिकागो से गौरी तक का जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको लौह इस्पात उद्योग, व्हाइट कलर कर लेते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे समझ में आए, लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर डेवलप हुआ है, और साथ में आपको देखने को मिलेगा भारी इंजीनियरिंग उद्योग भी, भारी
भारी इंजीनियरिंग उद्योग भी यहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। ओके, ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, जो ये क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, इसके पास में लौह अयस्क और साथ में कोयला अयस्क हैं, दोनों दोनों आराम से मिल जाते हैं। ओके, अब अगर हम लौह इस्पात उद्योग या फिर भारी इंजीनियरिंग उद्योग लगाना चाहते हैं तो हमें बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, यहाँ पर जो लोहा की प्राप्ति होती है, मतलब जो रॉ मटेरियल है लोहा, वो सुपीरियर हाईलैंड से मिल जाता है, और अगर हम कोयले की बात करें तो वो पेंसिल्वेनिया से मिल जाता है। कोयला है वो कहाँ से मिल जाता है? पेंसिल्वेनिया से मिल जाता है, ओके, तो इस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। और आपको देखने को मिलेगा पूरे इस ग्रेट लेक की, अगर हम बात करें, इस पूरे ग्रेट लेक की बात करें, तो इस क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम आपको ले जा रहे थे तो गौरी तक, तो देखिए हम मिलवाकी में गए, तो मिलवाकी में हमको क्या देखने को मिला यहाँ पर कि एग्रीकल्चर, यहाँ पर मिलवाकी से शिकागो तक एक पूरी बेल्ट पाई जाती है जहां पर एग्रीकल्चर से संबंधित बहुत सारी मशीनें और उपकरण का विकास हुआ है, इसीलिए इसे एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट बेल्ट भी बोलते हैं इस वाले रीजन को। ओके, और फिर हम लोग आगे गए शिकागो में, तो शिकागो में आपको देखने को मिलेगा कि परिवहन उद्योग है, मतलब परिवहन की सुविधा है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे देखने को मिलेगी, इसी वजह से यहाँ पर मांस प्रसंस्करण उद्योग भी देखने को मिलेगा। और शिकागो है ये यूएस का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला क्षेत्र भी देखने को मिलेगा। जब आप इससे आगे जाएंगे गौरी के इधर, तो इस पूरे रीजन में लौह इस्पात उद्योग और भारी इंजीनियरिंग उद्योग है, इन दोनों का बहुत ज्यादा विकास देखने को मिलेगा, क्योंकि सुपीरियर हाईलैंड है, यहाँ से लोहा मिल जाता है। ओके, लोहा एक्स है वो मिल जाता है, और नीचे आपको देखने को मिलेगा पेंसिल्वेनिया, तो पेंसिल्वेनिया से कोयला की प्राप्ति हो जाती है। इस वजह से यहाँ पर भारी इंजीनियरिंग उद्योग और लौह अयस्क का बहुत ज्यादा आपको विकास देखने को मिलेगा। और इस पूरे रीजन में अगर हम पूरे ग्रेट लेक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा लौह इस्पात उद्योग यहाँ पर ही डेवलप हुआ है। तो देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम आगे जाएंगे तो फिर से हम कहाँ पहुंच जाएंगे? हम पहुंच जाएंगे लेक होनरून में पहुंच जाएंगे, और लेक होनरून में हम पहले ही यहाँ पर सडबरी भी देख चुके थे, और इधर आपको सू कैनाल भी आपको देखने को मिलेगा। तो इधर हम दोबारा क्यों जाएंगे भाई, एक बार घूम आए तो। अब हम कहाँ जाएंगे? आगे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डेट्राइट। तो देखिए, लेक होनरून है, और फिर हम आगे जाएंगे तो आपको लेक इरी देखने को मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा डेट्राइट। तो देखिए, डेट्राइट है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देखने को मिलेगी जगह, डेट्राइट। डेट्राइट है ये यूएस का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स उद्योग का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। डेट्राइट में आपको देखने को मिलेगा ऑटोमोबाइल्स उद्योग का, डेट्राइट में ऑटोमोबाइल्स ऑटो ऑटोमोबाइल उद्योग का बहुत ज्यादा विकास हो। तो आपको ऑटोमोबाइल से संबंधित अगर आपको कुछ भी लेना है, जैसे आपको बाइक लेनी है, अच्छी अच्छी आपको उपकरण लेने हैं, तो आप लोग यहाँ पर खरीद सकते हैं, डेट्रॉइट में जाकर के आप मजे ले सकते हैं, बाइक रेसिंग का और चीजों का भी आप लोग मजे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंडस्ट्री है वो डेवलप हुई है। तो डेट्रॉइट आपको मिलेगा, फिर डेट्रॉइट से आप लोग क्या चले जाएंगे? आगे चले जाएंगे, इरी में प्रवेश कर जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? इरी में प्रवेश कर जाएंगे। तो लेकिन इरी है, इधर आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं देखने को मिलेगा। फिर आगे पहुंच जाएंगे, यहाँ पर नियाग्रा जलप्रपात देखने को मिलेगा। नियाग्रा जलप्रपात है वो यूएस का आपको सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा जलप्रपात देखने को मिलेगा, मतलब जो आपको उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा आपको जलप्रपात देखने को मिलेगा, नियाग्रा जलप्रपात। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इन सारी चीजों को आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहुंच गए थे, हम लोग कहाँ पहुंच गए थे? डेट्रॉइट अभी हम गए थे। तो देखिए, हम इस तरह से दुलुत से स्टार्ट किए थे, फिर हम सू कैनाल होते हुए हम इधर गए, तो इधर हमको सडबरी देखने को मिला, फिर सडबरी के बाद हम होनरून के बाद में कहाँ चले गए? हम मिशिगन में चले गए थे, तो यहाँ पर हमको देखने को मिला जो मिलवाकी देखने को मिला, मिलवाकी के बाद यहाँ पर हमको शिकागो देखने को मिला, और यहाँ पर हमको ग्वारी देखने को मिला, फिर ग्वारी से होते हुए हम ऐसे लौट करके आए, फिर आपको जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमको डेट्रॉइट देखने को मिला। डेट्रॉइट में ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा डेवलप हुई है, तो यहाँ पर हम थोड़े से मजे किए थे। फिर हम आगे बढ़े,
आगे बढ़े तो यहां से हम लेक इरी से होते हुए लेक ओंटारियो में प्रवेश कर रहे थे, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर ही नियाग्रा जलप्रपात देखने को मिलेगा। नियाग्रा नियाग्रा जलप्रपात देखने को मिलेगा, ओके, नियाग्रा वाटरफॉल्स देखने को मिलेगा। और यह है उत्तरी अमेरिका, मतलब जो नॉर्थ अमेरिका है, इसका सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ओके। इसके अलावा आपको यहां पर नियाग्रा जलप्रपात के बाद ही आपको देखने को मिलेगा हैमिल्टन, ओके। क्या देखने को मिलेगा? हैमिल्टन देखने को मिलेगा, ओके, हैमिल्टन देखने को मिलेगा, ओके। तो देखिए हैमिल्टन है, और हैमिल्टन के बाद आप लोग ऐसे आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको टोरेंटो देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? टोरेंटो। तो चलिए इनके बारे में हम यहाँ पर नोट करा देते हैं, नेक्स्ट पेज पर आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए जब हम लोग यहाँ पर जा रहे थे इरी से ओंटारियो में जा रहे थे, तो हमको नियाग्रा नियाग्रा जलप्रपात देखने मिला, जलप्रपात देखने को मिला जो क्या है नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात देखने को मिलेगा। फिर हम लोगों को मिलाता है हैमिल्टन, ओके, क्या मिलाता है? हैमिल्टन, ओके। देखिए हैमिल्टन है, इसे यूएसए का बर्मिंगम भी बोलते, सॉरी कनाडा का इसका बर्मिंगम भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा मात्रा में लोहा एक्स पाया जाता है, तो इसीलिए इसको बर्मिंगम भी बोलते हैं। किसका? कनाडा का बर्मिंगम बोलते हैं, बर्मिंगम, ओके। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आपको देखने को मिलेगा, आगे आप जाएंगे तब मिलेगा टोरेंटो, टोरेंटो, ओके। अगर हम टोरेंटो की बात करें तो ये आपको जो टोरेंटो है वो ओंटारियो की राजधानी आपको देखने को मिलेगा, ओके, ओंटारियो की राजधानी है। और साथ में आपको देखने को मिलेगा एक कनाडा का सबसे अधिक सर्वाधिक कनाडा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र भी आपको देखने को मिलेगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र भी टोरंटो देखने को मिलेगा। और टोरंटो है वो ओंटारियो की राजधानी भी देखने को मिलेगा। तो देखिए आप लोगों को ये चीज देखने को मिलेगी। और फिर आप आगे है, फिर आप आगे जाएंगे, फिर आपको क्या मिल जाएगा, एक आपको जाएंगे तो किंगस्टन भी रास्ते में पड़ता है। किंगस्टन के बारे में भी आपको बता देते हैं, देखिए आपको दिखाते हैं, इस तरह से थोड़ा सा बैक चलते हैं। तो देखिए वैसे तो यहाँ पर ये समाप्त हो जाता है, लेकिन आगे बता देते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर जा रहे होंगे तो लेक ओंटारियो में, तो लेक ओंटारियो से जैसे आप बाहर निकलेंगे, लेक ओंटारियो से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर आपको किंगस्टन देखने को मिलेगा। किंगस्टन हॉलीवुड की मूवी भी है, कितनी अच्छी आप लोगों ने देखी होगी किंगस्टन। तो किंगस्टन आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगा। फिर आप लोग किस में प्रवेश कर जाएंगे, फिर आप आगे जाएंगे तो आपको एक नदी देखने को मिलेगी, जो लॉरेंस नदी है वो आपको देखने को मिलेगी। और आगे कहाँ चला जाता है? आगे इस तरह से मिल जाता है। तो देखिए आगे की चीज हम यहाँ पर बना देते हैं जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो देखिए इस तरह से आपको ओंटारियो देखने को मिलेगा, देखिए इस तरह से क्या है, लेक है मान लेते हैं, ओंटारियो लेक है। कौन सा लेक है? ये ओंटारियो, ओंटारियो लेक है, ओके। अब देखिए ओंटारियो लेक से ही इस तरह से एक नदी निकलती है, मतलब नदी है वो देखने को मिलेगी। तो यहां पर आपको नदी देखने को मिलेगी सेंट लॉरेंस रिवर, सेंट लॉरेंस रिवर आपको देखने को मिलेगी, ओके। अब देखिए जहां पर सेंट लॉरेंस रिवर है ना, इसी का जहां पर मुहाना है, मुहाना के पास में ही आपको किंगस्टन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? किंगस्टन आपको देखने को मिलेगा। ये कहाँ है? एक कनाडा में है, ध्यान रखिएगा कहाँ है? कनाडा में। अगर हम किंगस्टन की बात करें तो देखिए किंगस्टन की अगर हम बात करें तो इसकी कुछ बातें आपको मुख्य मुख्य ध्यान रखनी है। अगर हम किंगस्टन की बात करें तो नंबर एक आपको देखने को मिलेगा यहां पर रेल इंजन उद्योग का, रेल इंजन उद्योग का बहुत अधिक विकास आपको देखने को मिलेगा, ओके। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि ग्रेट लेक की सबसे ऊंची चोटी यहां पर पाई जाती है, ग्रेट लेक्स हैं जो, ग्रेट लेक्स की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है वो किंगस्टन में ही आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों के लिए यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब आपका जो ग्रेट लेक्स है वो यहाँ पर इस तरह से समाप्त हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे, ओके। तो देखिए अब हमारा जो यहाँ पर टॉपिक बचा है वो कौन सा बचा है, देखिए इस तरह से, देखिए एक चीज और आपको बता देते हैं। अगर हम ग्रेट लेक्स की बात करें तो ग्रेट लेक्स है, देखिए ये क्या है,
ये आपको ग्रेट लेक्स देखने को मिलेगा। तो ग्रेट लेक्स है, यहाँ पर तीन जलीय मार्ग भी मिलते हैं। कौन कौन से तीन जलीय मार्ग? तो एक तो आपको देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पर बिनीपिंग रिवर है ना, वो इसको जोड़ती है हडसन की खाड़ी से, जोड़ देती है किससे? हडसन की खाड़ी से जोड़ देती है। तो एक जलीय मार्ग कौन सा है? हडसन की खाड़ी तक होते हुए आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, जो ग्रेट लेक्स से आप कहाँ चले जाएंगे? ग्रेट लेक से आप न्यूफाउंडलैंड भी चले जाएंगे। तो देखिए, ये सेंट लॉरेंस नदी है ना, तो इसके थ्रू आप कहाँ पहुंच जाएंगे? न्यूफाउंडलैंड के पास में पहुंच जाएंगे, यानी कि जो लॉरेंस की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी आप वहां पर पहुंच जाएंगे, और इधर से होते हुए फिर आप कहाँ पहुंच जाएंगे? इधर लेबराडोर सी में पहुंच जाएंगे। ओके, और इधर अगर आप आना चाहें तो इधर आप लोग अटलांटिक महासागर में भी पहुंच जाएंगे। और इसी तरह से देखिए, इधर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर गल्फ ऑफ, अगर मैक्सिको में आप आना चाहें तो देखिए, आप लोग इस रिवर के सामने, इस रिवर के सहारे जो आपको मिसिसिपी देखने को मिलेगा, इसके सहारे आप कहाँ आ सकते हैं? गल्फ ऑफ मैक्सिको में भी आ सकते हैं, फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको से होते हुए कैरिबियन सी में आप प्रवेश करेंगे, और फिर पनामा से होते हुए आप प्रशांत महासागर में भी जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको तीन मुख्य मार्ग भी देखने को मिलेंगे कि आप इसके सहारे, ग्रेट लेक्स के सहारे, एक तो आप हडसन में जा सकते हैं, दूसरा लॉरेंस वाले में, और तीसरा आप लोग कहाँ जा सकते हैं? मैक्सिको में भी जा, गल्फ ऑफ मैक्सिको में भी जा सकते हैं। तो कभी कभार पूछा जा सकता है, तो आपके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बता दिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनको भी देख लेते हैं। देखिए, ग्रेट सॉल्ट लेक आपको देखने को मिलेगा, आपको एक आपको लेक मिड देखने को मिलेगा, और फिर आपको ओजार्क लेक देखने को मिलेगा, और आपको फोर्ट पिंक लेक देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग इन सभी के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ग्रेट सॉल्ट लेक आपको देखने को मिलेगा, और ग्रेट सॉल्ट लेक के नीचे ही आपको आपको मिड आपको देखने को मिलेगा, और फिर इधर आपको ये वाला देखने को मिलेगा, वो जार्क लेक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे, ज्यादा ही नीचे बना दिए, जस्ट थोड़ा सा नीचे आपको देखने को मिलेगा फॉल्ट पिंक लेक देखने को मिलेगा मिलेगा। इनके बारे में देखिए लिखा देते हैं, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ग्रेट, ये सातवें नंबर का है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सातवें नंबर का है। तो ग्रेट सॉल्ट लेक आपको देखने को मिलेगा। तो ग्रेट सॉल्ट लेक है, यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा आपको सॉल्ट लेक सिटी देखने को मिलेगा, सॉल्ट लेक सिटी देखने को मिलेगा, सॉल्ट लेक सिटी है वो आपको देखने को मिलेगी, जो आपको उटाह की राजधानी देखने को मिलेगा। उटाह क्या है? यूएसए का एक आपको राज्य देखने को मिलेगा। ओके, तो ये उटाह की राजधानी है, उटाह स्टेट की, उटाह राज्य की राजधानी है, राजधानी उटाह क्या है? यूएसए का एक राज्य आपको देखने को मिलेगा। ओके, और देखिए, जो ग्रेट सॉल्ट लेक है ना, ये आपको एक अवशिष्ट पार्ट देखने को मिलेगा, किसका? आपको देखने को मिलेगा जो बोनी बिले झील है, बोनी बिले झील है, तो बोनी बिले झील का ही अवशिष्ट रूप है ये। क्या है? अवशिष्ट रूप है, जिसे आज ग्रेट सॉल्ट लेक के नाम से जानते हैं। जो बोनी विले झील है ये मीठी है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें जो है ये मीठा पानी पाया जाता है, मीठा पानी पाया जाता है, लेकिन इसी का जो अपशिष्ट पार्ट है भैया, जो इससे कट के अलग हो चुका है, उसी को बोलते हैं ग्रेट सॉल्ट लेक बोलते हैं, और ये खारे पानी की है। ध्यान रखिएगा, तो आपसे पूछा जा सकता है ग्रेट सॉल्ट लेक है ये पहले किसका पार्ट था? तो आपको ध्यान रखना है, बोनी विले झील का ही पार्ट था। बोनी विले झील है, आपसे पूछा जा सकता है बोनी विले झील है वो एक लवणीय झील है, तो आप सोचेंगे ग्रेट सॉल्ट लेक है जब वो उसका पार्ट है, तो वो जब लवणीय है तो ये भी क्या होगी? लवणीय। नहीं, आप लोग ध्यान रखना है, बोनी विले झील है ये मीठे पानी की झील है, इससे एक पार्ट अलग हो गया है जिसको ग्रेट सॉल्ट लेक के नाम से जानते हैं, और एक लवणीय जल या फिर खारी पानी की झील देखने को मिलेगी। तो ये चीज आप लोगों के लिए ध्यान रखनी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आठवें नंबर की। तो आपको देखने को मिलेगा लेक मिड आपको देखने को मिलेगा। तो लेक मिड है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो आपको देखने को मिलेगी, लेक मिड है ये आपको नेवाडा में देखने को मिलेगी। ओके, कहाँ देखने को मिलेगी? नेवाडा स्टेट में आपको देखने को मिलेगी। और देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कोलोरेडो, ये इसी में से एक कोलोरेडो रिवर है वो निकलती है, आपको देखने को मिलेगा। तो कोलोरेडो रिवर है,
इसी पर दो बांध पाए जाते हैं, कौन सा? एक हूबर, एक देखने को मिलेगा हूबर एंड बोल्डर। हूबर और बोल्डर डैम है वो आपको देखने को मिलेगा कोलोरेडो रिवर पर है, और ये दोनों के दोनों किस प्रकार के हैं तो आपको देखने को मिलेगा ये मानव निर्मित झील आपको देखने को मिलेगी। होबर और बोल्डर डैम है ये किस प्रकार के हैं? मानव निर्मित झील है ये, मानव निर्मित झील आपको देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा, आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो लेक मिड है ना, ये कहाँ देखने को मिलेगा? तो आपको नेवाडा में देखने को मिलेगा, और इसी से आपको देखने को मिलेगा एक कोलोरेडो रिवर है, उसका संबंध आपको कोलोरेडो रिवर से इसका देखने को मिलेगा। कोलोरेडो रिवर पर ही दो डैम पाए जाते हैं, एक होबर और बोल्डर डैम पाए जाते हैं, और ये दोनों के दोनों मानव निर्मित डैम आपको, या फिर झील या फिर लेक, आप जो भी बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, ये देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं आठवें पॉइंट के ऊपर, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ओके, आठवां तो अभी देखें, नवे पर हम लोग देख लेते हैं, जो आपको देखने को मिलेगा ओजार्क, ओजार्क झील। ओके, तो देखिए ओजार्क झील है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको देखने को मिलेगी मिसौरी में। कहाँ देखने को मिलेगी? मिसौरी में अवस्थित है। मिसौरी क्या है? यूएसए का ही एक स्टेट आपको देखने को मिलेगा, मिसौरी राज्य में, मिसौरी में अवस्थित है। ओके, मिसौरी क्या है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यूएसए का एक राज्य है, में अवस्थित है। ओके, इसी तरह से आपको एक और यहाँ पर लेक देखने को मिलेगा, जो लास्ट है, जो फोर्ट फोर्ट पेंक झील, फोर्ट पेंक झील आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये आपको देखने को मिलेगा मोनेटोबा में, टोबा में आपको देखने को मिलेगा, मोनेटोबा में या मोनेटोना, जो भी आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, में अवस्थित है, अवस्थित है। ओके, मोनेटोबा में अवस्थित है। देखिए मोनेटोबा और ये कोई भी प्रोनाउंसिएशन होता है हिंदी इंग्लिश में अलग अलग होता है, तो आपको कहीं पर मोनेटोबा भी देखने को मिलेगा, कहीं पर मोनेटोना देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो इस तरह से इस सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओके, तो चलिए, अब आज का जो लेक्चर है वो हमने यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है, और अगर आप लोग यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को सुन लीजिए, फिर उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण चीज आप लोग के लिए बताएंगे। अगर आप लोग फॉरम आईएएस की टेस्ट सीरीज डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। अगर ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियोस का लाइक शेयर और अपना प्यार दिखाते रहेंगे तो आपको और भी कोचिंग की स्टडी मटेरियल भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा अचीवर बैच है वो नया बैच है, वो लॉन्च हो गया। यहाँ पर अभी इंडियन ज्योग्राफी से ही अभी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। इसकी जो फीस है वो 99 रुपए प्रति मंथ आपको देखने को मिलेगी। देखिए अगर आप लोग आरजी सर 9 कोड का उपयोग करते हैं वन टाइम पेमेंट करते हुए, तो आपको एक्स्ट्रा 60% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग एडमिशन ले सकते हैं। आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के हमारी ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, क्लब आईएएस एस्पिरेंट, और इसको इंस्टॉल करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करिएगा। फिर वहां पर आपको एक होम का ऑप्शन दिखेगा, बैचेस का ऑप्शन दिखेगा, एक स्टोर का, तो स्टोर वाले पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको हमारा एक ओल्ड बैच दिख जाएगा, जो सेकंड फाउंडेशन बैच है, इसमें एडमिशन नहीं लेना है। एक नया बैच हमारा लॉन्च हुआ है अचीवर बैच, इसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। इसकी जो फीस है वो 2376 रुपए देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप लोग आरजी सर 9 कोड का उपयोग करेंगे तो आपको 1370 रुपए इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। वन टाइम पेमेंट करने वालों के लिए सिर्फ ये ऑफर है, तो आपको सिर्फ 999 रुपए में आपको पूरा का पूरा जो कोर्स है वो आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट, असाइनमेंट सब कुछ मिलता है। और अगर जो लोग वन टाइम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए एक और ऑप्शन यहाँ पर दे दिया गया है। वहां पर पेमेंट करने से पहले आप लोग देखेंगे छोटा सा एक ऑप्शन ऊपर दिया रखा होता है कि पे इंस्टॉलमेंट, तो पे इंस्टॉलमेंट पे आप क्लिक कर देंगे तो 99 रुपए प्रति मंथ में आप लोग आकर के यहाँ पर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। इसमें आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट, असाइनमेंट सब कुछ दिया जाता है, तो आप लोग आकर के इस तरह से अच्छे से पढ़ाई करिएगा। यहाँ पर आपको कितनी क्लासेस, कौन कौन सी, कब कब आपको मिलेंगी, तो ये सब कुछ यहाँ पर विस्तृत जानकारी दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डेमो वीडियो देखने के लिए आप लोग यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, तो यूट्यूब चैनल पे जाने के बाद आप लोग प्ले लिस्ट पे जाएंगे, तो प्ले लिस्ट में आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी अचीवर बैच की। तो अचीवर बैच में यहाँ पर डेमो वीडियो दी रखी है और इस प्रोग्राम के बारे में भी सब विस्तार में बताया गया, ऐसा करके आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत सारी डेमो वीडियो पड़ी है, आप लोग देखने के बाद संतुष्ट हो जाए, फिर उसके बाद एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर विजन की एक टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के देखिए, इसमें विजन का जितना भी स्टडी मटेरियल वो आपको दिया जाता है। साथ में यहाँ पर विजन की टेस्ट सीरीज है वो वीडियो लेक्चर के थ्रू सॉल्व भी कराई जा रही है 2022 वालों के लिए।
और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मैपिंग क्लास की, जो अभी आपकी चल रही है। प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग जाकर के यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर शॉर्ट वीडियो की बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा जो त्रिशा मैम है, ये डेली 12 बजे, दोपहर 12 बजे है, ये आपको क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के सॉल्व कराती है, आप लोग जाकर के इसे भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शिवम सर हैं, वो विजन की करंट अफेयर है वो 1 साल का प्रिपेयर करा रहे हैं, तो आप लोग जाकर के ये भी वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा कंटेंट है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिलता है। इसके अलावा आप लोग हमारी ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो वहां भी आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। ओके, तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए इस लेक्चर को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, फिर उसके बाद में आप लोग जा सकते हैं। ओके, चलिए।